कोशिश कर रहे हैं सबको एक साथ लेने की। भूपेंद्र सिंह से भी लगातार हम बात कर रही है, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके घर गए हैं। ऐसे गोपाल भार्गव से भी लगातार उनकी चर्चा चल रही है। भानु राणा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, त्योगी से विधायक थे, उनके टच में भी है। मतलब इस तरह से पूरे कोशिश कर रहे हैं कि सबके साथ एक सामंजस्य बिठाया जा सके। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि सामंजस्य बैठाने की यहाँ पे अजय जी कोशिश तो की जा रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, उनको जगह नहीं। फिर गोपाल भार्गव की भी बात की ही जा रही है, उनको भी जगह नहीं। और इन सब में क्योंकि वर्तमान सिनेरियो में गोविंद सिंह राजपूत अभी विधायक भी नहीं है, जिस तरह से चर्चा लगातार की जा रही है 6 महीने तक उनके पास पद रह सकते हैं। त्रिपाठी जी ने भी इस बात का जिक्र किया, तो कोशिश यही कि आप हमें फिर से चुनाव में जिता के विधानसभा भेजिए, हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं रत्न आपको बताना चाहूंगा कि जो कमलनाथ जी की सरकार गिरी उसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा सिंधिया जी तो थे ही, लेकिन एक सेनापति की अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वो है गोविंद राजपूत। तो गोविंद राजपूत को आज उसका इनाम कहना चाहिए कि जो एक छोटा सा मंत्रिमंडल बना है उसमें बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत का नाम आया हुआ है। और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है इन सारे नेताओं की कि बुंदेलखंड से एकमात्र सीट है जहां पर चुनाव होना है, और उसको किस मार्जिन से निकाल के वापस विधानसभा पहुंचते हैं गोविंद राजपूत। ठीक, बहुत शुक्रिया अजय जी चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यहाँ पे त्रिपाठी जी जिस तरह से बता रहे थे अजय दुबे जी कि एकमात्र सीट बुंदेलखंड से, और बेहद ही इस वक्त ये देखिए तस्वीरें, हम अपने दर्शकों को बता दें राज्यपाल पहुंच गए हैं, सीधी तस्वीर राज्यपाल है। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, नियुक्त मंत्रीगण श्री नरोत्तम मिश्रा, श्री तुलसी सिलावट, श्री कमल पटेल, श्री गोविंद सिंह राजपूत, सुश्री मीना सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा
तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय कृपा अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय कृपया आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बोलो, अभी राजभवन में हूँ, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। मना कर रहे हैं, कॉल करने के लिए छोड़ देंगे। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? कब है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मंत्रियों ने शपथ ले ली है। नरोत्तम मिश्रा ने ली है मंत्री पद की शपथ। कमल पटेल ने ली है मंत्री पद की शपथ। गोविंद सिंह राजपूत ने ली है मंत्री पद की शपथ। और तुलसी राम सिलावट, मीना सिंह ने ये बताओ, वो पांच मंत्री अपनी शपथ ले चुके हैं। सीधी तस्वीरें और पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से दिखा रहे थे। आप स्वराज एक्सप्रेस पर तमाम तस्वीरें लाइव देख रहे थे। अब वहां पे जिस तरह से जो एक औपचारिकता जो रहती है फोटो सेशन की, फोटो सेशन होता है वहां पे, फोटो सेशन इस वक्त तो हो रहा है कि कौन कौन से वो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली। एक ये यादगार क्षण भी रहता है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो फाइनली जो पोर्टफोलियो हम बता रहे थे, मंत्रिमंडल मिनी बता रहे थे, उसका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे त्रिपाठी जी कम्प्लीट हो गया। विशेष ये जो पांच मंत्री शुरू के हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखें तो चूंकि ये वरिष्ठता में आते हैं, सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली इन्होंने, तो इनके पास कुछ अच्छे ही विभाग होंगे। हालांकि विभाग का वितरण किसको कौन सा विभाग देना है मुख्यमंत्री के पूरी तरह से हाथ में होता है। मंत्री बनाना है इसमें तो हाईकमान तक जाता है, मामला सामान्य से बिठाया जाता है, जाति समीकरण से लेकर क्षेत्रीय संतुलन सारी चीजें होती है। लेकिन पोर्टफोलियो के मामले में ये मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता है। जब इस बात को हाईकमान को लेकर अगर शिकायत की जाए कि देखिए हमारे पास विभाग तो विभाग होते हैं, ये हम लोगों की भाषा में या उनको मालूम है कि मलाईदार कौन सा है, सूखा कौन सा है, तो ये जब मुख्यमंत्री देते हैं तो इस बात की शिकायत भी हाईकमान से नहीं की जा सकती है कि हमको देखिए मलाईदार विभाग नहीं दिया है। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन पांचों लोगों को तो निश्चित तौर पर बेहतर विभाग ही मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, एक बार जब सिंधिया जी ने माधव विकास कांग्रेस बनाई थी और अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस बनाई थी, उस दौरान इंद्रजीत पटेल ने उनका साथ दिया था अर्जुन सिंह का, और महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और बालेंद्र शुक्ला ने साथ दिया था गौरव सिंधिया का, तो इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। इनको विधायक पद से दल बदल विधायक इनसे नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब सिंधिया जी कांग्रेस में आ गए और अर्जुन सिंह जी भी कांग्रेस में आ गए, तब
इस बात पर प्रेशर डाला गया कि इनको वापस मंत्री बनाया जाए, वो कांग्रेस में आ गए और तो दिग्विजय सिंह ने बड़ी चालाकी से तीनों को तो मंत्री बना दिया, लेकिन बलेन शुक्ला को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसी तरह केवल आवास पर्यावरण विभाग होता है तो सिर्फ आवास, इंद्रजीत पटेल को, इसी तरह महेंद्र सिंह कालो को, तीनों को ऐसे विभाग पकड़ा दिए कि सिर्फ मंत्री जरूर बन गए लेकिन विभाग ऐसा दे दिया कि जो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहे। तो विभाग का भी यहाँ महत्वपूर्ण होता है, देखते हैं क्या विभाग मिलता है, लेकिन विभाग तो बेहतर ही इन लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बेहतर ही विभाग मिलेगा, क्योंकि अभी तो प्राथमिकता लगातार यही कि सबकी तरफ से बताई जा रही है कि कोरोना से लड़ना है, जिसके चलते बहुत ही सादे और तरीके से इस मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण हुई है, जिसमें हमने देखा त्रिपाठी जी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है, वो तमाम नॉर्म्स जिन जो वो गाइडलाइन जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी वो यहाँ पे हमें देखने को भी मिले। सोशल डिस्टेंसिंग पालन भी किया है और थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जब मंत्री को शपथ लेने के बाद सिग्नेचर कराना है तो व्यक्ति उनके पास जा रहा है, तो ये कोरोना का मामला अभी तक तो इसकी खोज ही नहीं हो पाई है। कहने की बातें अलग है कि टच होने से, एक बार टच होने से हो ही जाता है या कई बार टच होने से होता है, किस किस बातों से होता है, इसकी अभी जैसा कि इतना भार खोज हुई है कि अगर आप के हाथ में संक्रमण है और वो कीटाणु है और तो वो अगर वायरस है तो आपके नाक और मुंह के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। तो फिलहाल अभी तो देखना ये है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पावर मेंटेन किया जाना चाहिए उतना किया भी गया है। बहुत ही सादे समारोह, हमें लगता है पहली बार इतने सादे समारोह में इस तरह का विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक फोटो सेशन होता है, जैसा आपने पहले भी कहा है, तो फोटो यादगार होता है उस मंत्री के लिए कि देखिए मैंने मंत्री पद की शपथ ली थी। जितनी बार शपथ लेंगे उतनी अलग अलग तरह की फोटो होंगी। तो फोटो सेशन के बाद अब ये कैबिनेट, जैसा कि गोविंद राजपूत ने कहा कि कैबिनेट होगी, तो कैबिनेट तब मानी जाती है, अकेले आदमी की कैबिनेट नहीं होती, कम से कम दो या तीन होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर के विपक्ष बार बार उठा रहा था कि वन मैन आर्मी और कैबिनेट कैसे, नीतिगत निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो अब इन पांच लोगों की कैबिनेट होगी, तब कोई नीतिगत बड़ा निर्णय भी लेना होगा तो पांचों लोगों की। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि त्रिपाठी जी इससे पहले एक मतलब एक जो इसको कह लिया जाए जो बहुत फेमस हो रहा था कि कैबिनेट की बैठक होती है, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, बतौर शिवराज सिंह चौहान, बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, बतौर गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, और जब तमाम मंत्रियों में नहीं बनती है तो कैबिनेट भंग, कैबिनेट की जो बैठक है वो भी स्थगित हो गई। तो मतलब अब कहीं ना कहीं इन जोक से भी निजात मिल जाएगी। बिल्कुल जोक से निजात, ये विपक्ष के इस समय पास एक ही तो वो था, कोरोना का मामला है, एक ही आरोप लगा रहा था। सुबह हम लोग जो इनके भूपेन गुप्ता जी हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनसे भी बात हो रही थी, तो यही बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का अगर गठन पहले हो जाता तो इतनी बड़ी भयावह स्थिति नहीं बनती। तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाई कौन सी भय इसमें अगर मंत्रिमंडल गठन हो जाता तो किस तरह कोरोना कैसे रोका जा सकता था, तो उन्होंने तुलसी सिलावट का हवाला दिया। तुलसी सिलावट जी इंदौर में सक्रिय हो जाते, उन्होंने कल ही ये बयान दिया था कि इंदौर में फिलहाल 10,000 किट की जरूरत है, किट नहीं पहुंची, तो अगर मंत्री होते, पावरफुल होते तो पहुंच जाता, सारी व्यवस्थाएं देख लेते, तो अब इस सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी इनको। तो त्रिपाठी जी एम्फसाइज तुलसीराम सिलावट पे किया था, इसलिए जो मतलब अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र से तो किसी को यहाँ पे किसी चेहरे को जगह नहीं मिली, लेकिन तुलसीराम सिलावट को लेकर जिस तरह से एम्फसाइज किया था, पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी मान ली, मौजूदा सरकार ने बात कि भाई अगर आपको लग रहा है कि तुलसीराम सिलावट बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति है तो हम इनको ही मंत्रिमंडल में जगह दे देते हैं। ये आज भूपेन गुप्ता ने जब उनका नाम डिक्लेयर हो गया उसके बाद ये बात कही थी कि तुलसीराम सिलावट, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था। ग्वालियर चंबल संभाग से नरोत्तम मिश्रा मंत्री बना दिए गए हैं, ये अलग बात है कि सिंधिया जी से नहीं है, जैसा कि ये भी कि संभाग बार ये लोग स्थिति देते हैं, बिना विभाग के मंत्री होंगे, तो जितने संभाग हैं पांच मंत्री हैं तो किसी मंत्री को दो संभाग मिलेगा, किसी को एक मिलेगा, कुल संभाग बार स्थिति में। तो हमें लगता है नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर और चंबल दोनों संभाग देखेंगे, और इसी तरह तुलसी सिलावट जी उधर के जो संभाग है उज्जैन और ग्वालियर इंदौर के वो देखेंगे। यहाँ एक बहुत थोड़ा सा चौंकाने वाले दो नाम कमल पटेल और बीना सिंह जी का जो आया, तो उसमें राजेंद्र शुक्ला का जो नाम छूटा कि अकेले उन्होंने बिंद में राजेंद्र शुक्ला के कहने पे बहुत सारी टिकटें दी गई थी। रीवा की पहली बार इतिहास में हुआ है कि 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाए, पहली बार इतिहास में हुआ है। इसके बावजूद
जो आपको ध्यान हो कि 3 दिन तक जिस रिसोर्ट में सारे बीजेपी के विधायकों को इकट्ठा करके रोका गया था सीहोर के पास, वो रिसोर्ट में जो रिसोर्ट की पूरी व्यवस्था से लेकर, कहा तो ये भी जाता है कि राजेश शुक्ला जी का रिसोर्ट है लेकिन ऐसा नहीं मान सकते हम, लेकिन फिर भी उस पूरी व्यवस्था आर्थिक रूप से हर तरह से व्यवस्था राजेश शुक्ला जी के हाथ में थी। उसके बाद बिंद से मीना सिंह को देना, मीना सिंह राज्य मंत्री भी रही है तो उतनी पावरफुल नहीं रही है, एक बहुत स्लो मंत्रियों की सूची में वो रही है, मूवमेंट उनका बहुत स्लो रहा है। मुझे अच्छे ध्यान है डिंडोरी की प्रभारी रही है तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट मैंने कुछ सवाल किए थे तो बहुत उत्तर देने में भी असहज महसूस कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में बिंद की पूरी जिम्मेवारी मीना सिंह के हाथ में देना, राजन शुक्ला से लेकर के या और दूसरे कद्दावर नेता है उनके हाथ से लेकर के मीना सिंह को देना, ये कहीं ना कहीं दिल्ली से हुआ है, सामंजस्य बिठाने की बात कही गई है। सुराज जी ने पूरी गेंद दिल्ली के पाले में डाल दिया, आप जिसको बोले उसको हम मंत्री बना देते हैं और शपथ दिलवा देते हैं, मुझे जो लगता है। ठीक, मतलब अभी वो अपने कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि अगर फर्दर ऑफ टाइम अगर कोई किसी तरह का असंतोष, अगर वैसे कहा जाता कि बीजेपी कार्डर बेस पार्टी है लेकिन अगर किसी तरह का असंतोष अगर दिग्गजों में उपजता है या उनके समर्थकों में, तो उसकी जो सीधी सीधी जिम्मेदारी वो भी केंद्र की रहेगी। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री है तो जिम्मेवारी तो इन्हीं की ही होगी, सामंजस्य बिठाना है, आपको सामंजस्य चलाना है। बहुत सारे नाम मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे थे लेकिन शिवराज जी को इसलिए दिया गया कि सहज सरल और जनता के बीच में उनकी अपनी एक पहुंच है, पकड़ है। ऐसी स्थिति में शिवराज जी ही 24 जो उपचुनाव है उनमें ज्यादा से ज्यादा विजय दिला सकते हैं। लेकिन जो पहले जो मंत्रिमंडल बनना था उसमें सिंधिया समर्थक चाहे गोविंद राजपूत जी और उसी रावत गोमे से एक थे, लेकिन बाद में जब इस तरह से चेंज हुआ तो हमें लगता है शिवराज जी ने भी पूरा हाई कमांड के जो वहां से निर्देश आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो उस तरह से मंत्रिमंडल बन जाएगा। क्योंकि कमल पटेल और मीना सिंह का जिस तरह से चौंकाने वाला नाम है, अगर शिवराज जी बनाए होते तो रामपाल सिंह हो सकते थे कमल पटेल की जगह, वहां राजेंद्र शुक्ला हो सकते थे मीना सिंह की जगह, गोपाल भार्गव हो सकते थे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिल्ली से पूरी तरह से सामंजस्य बिठाया गया है, सिंधिया जी को पूरी तरह से तवज्जो दी गई है, इस तरह से मंत्रिमंडल 5 का बनाया गया। अभी तो आप भी जानते हैं कि 29 मंत्रियों की जगह खाली है, लेकिन पहले जिस तरह से बीजेपी के सारे होते तो मुझे लगता है कम से कम 9, जो 24 में से कम 9 मंत्री होंगे जो कांग्रेस से आए हैं। तो 9 मंत्री जब कांग्रेस से होंगे तो 25 मंत्री फिर बीजेपी के जो पुराने हैं उनमें से बन सकते हैं, 24 मंत्री बन सकते हैं मात्र। तो ऐसे जो पिछले मंत्रिमंडल में शिवराज जी के थे जो सोच रहे हैं कि उनको मंत्री बनाया ही जाएगा, तो ऐसे 8-9 जो नाम काटे जाएंगे उनमें से उनके पुराने चेहरे भी काफी कुछ कर सकते हैं। क्या लग रहा है, मतलब कई दिग्गजों के जो दिग्गज चेहरे हैं उनके नाम अगर कटेंगे तो क्या बाकी में वो असंतोष जो बीजेपी में उपजेगा उसको शांत कर लिया जाएगा? बीजेपी, मैंने पहले ही बताया, कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ जब असंतोष किसी तरह से होता है तो संगठन से लेकर संघ तक, मंत्री तो रहते ही है, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। और चूंकि जो दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का कमजोर है, उसके कारण ये जो प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है ये उसका प्रतिफल है। दिल्ली नेतृत्व तो अगर सोनिया जी राहुल जी मजबूत होते, सीधे संपर्क में होते, उनकी बात सुनी जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कमलनाथ सरकार में जिस तरह से 15 महीने खुद मुख्यमंत्री हो गए और जो मंत्रिमंडल का गठन कर दिया, इतनी सारी सीटें खाली थी तो उनको अगर मंत्री नहीं बनाया तो खुद चलते रहे, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा देखें आप सामंजस्य भी कैसे बिठाया, पहली बार ये भी इतिहास में हो गया, पहली बार अगर सरकार गिरी है इस तरह, वो 67 की संघीय सरकार जब बनी थी उसकी बात छोड़ दिए, विजयराज सिंधिया जी जब 36 विधायकों के साथ तोड़ा था तो उसमें उनकी डीपी मिश्रा से सीधे लड़ाई हो गई थी और राजा महाराजा और उस पर कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, तब दल बदल विधेयक भी नहीं था। लेकिन ये तो दल बदल विधेयक होते हुए मतलब इतना बड़ा कि 24 से 24 इस्तीफा दे देंगे विधायक से, इस बात की भी वो उनको परवाह नहीं रही कि हम जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कमलनाथ जी के टोटल फेल हो रहा है। 6-7 मंत्री ऐसे बनाए गए जो दूसरी बार जीते और कई मंत्री ऐसे रहे जो कई लोग ऐसे नहीं बनाए गए, तो 7 बार 8 बार 6 बार इस तरह से विधायक है। तो ये अब असंतोष तो उपजना ही था, आप खुद सोचिए ना, एक तरफ विजयलक्ष्मी साधो 85 में संसदीय सचिव बन गई थी बोरा जी के समय और आज भी मिनिस्टर, दूसरी तरफ कमलेश्वर पटेल, सुखदेव पांसे, प्रीवर सिंह ये भी मिनिस्टर सेम, गोविंद सिंह जो रिटायरमेंट के करीब है 8 बार के विधायक वो, और तरुण भानोत वित्त मंत्री,
तो ये कहीं से आपको सामंजस्य दिख रहा था? दूसरी बात अरुण भानोत जीते हैं और वित्त मंत्री, दूसरी तरफ गोविंद सिंह 8 बार से जीते हैं और उस तरह का केपी सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। केपी सिंह हुए, बिसाहू लाल हुए, एदल सिंह कंसाना हुए, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव हुए, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनको जगह नहीं दी गई। यहाँ दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी और कमलनाथ जी का जो शुरू में मंत्रिमंडल वाला है, तो अपना अपना कोटा तय हो गया। उस कोटे से जो उनके अपने खास समर्थक थे, जिनको पसंद करते थे, उनके नाम दे दिए गए। सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं किया गया। सामंजस्य बिठाने का, जैसे अब सुखदेव पांसे कमलनाथ जी से जुड़े हैं तो उनको ले लिया, सज्जन वर्मा को ले लिया। अब सज्जन वर्मा 93 में भी मंत्री थे इनके शासनकाल में, 98 में भी, और सुखदेव पांसे दोनों बराबर। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व मंत्री उमर शंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। आज तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया, हालांकि बेहद छोटा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी जी, देखिए अब इस समय जो परिस्थितियां हैं उस समय, और इससे ज्यादा बड़ा बनाना उचित भी नहीं था, और इसलिए अभी बहुत ही तात्कालिक दृष्टि से किया है। कोरोना ये इससे निपटकर लॉकडाउन जब खत्म होगा तो फिर विस्तृत मंत्रिमंडल बनेगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप जानते हैं कि बीच के समय में कमलनाथ सरकार जब अस्तित्व में थी, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दी गया, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी उसी परिस्थिति में शपथ ली थी और उसके बाद एकदम इस लड़ाई में लड़े थे प्रदेश की सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। आज एक छोटा सा समूह उनके साथ और जुड़ जाएगा और निश्चित ही उसके कारण काम करने में आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ चैनल है एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करेंगे। जी गुप्ता जी, ये सरकार बनने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से, बंगलौर की सारी घटना से लेकर के यहाँ तक कि नहीं थी सरकार संभवतः अभी नहीं बनती, ऐसी स्थिति में अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं तो चाहूंगा दुर्भाग्यवश कि एक बार फिर से आप मुख्य भूमिका में आए। नहीं देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर प्लान में मुख्य भूमिका में ही रहते हैं। पार्टी जब जैसा उपयोग करती वैसा करते हैं, और आज हमारी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी है। आज मंत्रिमंडल छोटा बन रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार मध्य प्रदेश को पीछे धकेल दिया गया, गरीबों की सारी योजनाएं समाप्त कर दी गई थी, हाहाकार मचा था, केवल ट्रांसफर उद्योग के अलावा कुछ हो नहीं रहा था, विकास ठप हो गया था। ऐसे में फिर से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी, जगह जगह मन मानस बना था, और आज शिवराज जी के बनने के बाद दुर्भाग्य से अभी जो महामारी का इस समय चल रहा है उसमें पूरी सरकार लगी है, लेकिन बहुत तेजी के साथ इस पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है। हालांकि सवाल अभी नहीं करना चाहिए, एक विधायक कम से कम 2 से 3 लाख जनता को का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसी स्थिति में लगभग 50 से 55 लाख अगर विधायकों के हिसाब से काउंट करें तो एक होटल में कैसे आपने सामंजस्य बना दिया 22 कुछ बातें पर्दे में रहने दीजिए पर्दा है पर्दे में रहने दीजिए मैं चाहूंगा कि कभी न कभी स्वराज स्तर से जरूर इस बात को साझा करिए कि कैसे सामंजस्य बना। बैठेंगे जरा इससे मुक्त होकर फिर बैठेंगे, बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल गुप्ता जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो विपदा पूरे विश्व में देख रहे हैं कोरोना के, उसमें जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, इसको लेके अब क्या हमें नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी? और क्योंकि आप एक बहुत अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो भी देख चुके हैं, तो क्या कुछ अब स्ट्रैटेजी में बदलाव अब हम देखेंगे? डेफिनेटली आप देख रहे होंगे शिवराज जी ने बड़ी तेजी से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मंशा के थ्रू, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय और इलाज जो दुनिया में है वो आइसोलेशन का है, लॉकडाउन का है, और वो उसमें प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी तेजी से काम हुआ। मैं जनता जनार्दन और आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने सकारात्मक रुख लिया, उसके कारण तेजी से इस महामारी पर हम नियंत्रण पाते जा रहे हैं। आगे भी और इसी स्ट्रेटजी पर काम करके और कोरोना से मुक्ति दिलाना ये पहला लक्ष्य सरकार का है। जी स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि ये कोरोना में सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुरूप सब सहयोग करें, क्योंकि हम सबकी जान, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जान है तो जहान है, जान और जहान दोनों साथ में रखना है, तो फिलहाल प्रायोरिटी अपनी ये है
और इससे जैसे ही मुक्ति होते हैं फिर तेजी से मध्य प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से घुमाना है, गरीबों के किसानों के कल्याण की योजनाओं को फिर से लागू करना है। तो मान लिया जाए गुप्ता जी यहाँ पे कि 3 तारीख के बाद अब जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें आपको हम लोग देख रहे हैं? नहीं, मैं मेरे साथी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को सरकार मानता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो त्रिपाठी जी, यहाँ पे जिस तरह से आपने सवाल किया कि बेंगलुरु से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए, उसको लेके सीधे कोई जवाब नहीं दिया यहाँ पे। निश्चित तौर पे सारे जो 22 विधायक थे वहाँ और उस होटल में, उस 22 विधायकों में आपने देखा होगा जब उनकी बाइट भी आ रही थी, मुन्ना लाल गोयल बोल रहे कि मैं बाहर लान में उनकी जो शूटिंग करके बाइट भेजी गई थी सब जगह सुनाया गया था, बोल रहे कि बहुत याद आ रही घर की, बहुत याद आ रही क्षेत्र की, लेकिन फिर भी जो हमारे सिंधिया जी कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। ऐसी स्थिति में एक विधायक और चार चार पाँच पाँच बार के विधायक कई लोगों को एक होटल में कितने दिनों तक सामंजस्य बिना के रखना और उनमें किसी तरह का असंतोष नहीं, अगर एक या दो विधायक भी असंतोष में बाहर आ जाते और आके पब्लिक में बोल देते, प्रेस के सामने बोल देते कि हम लोगों को जबरदस्ती किडनैप किया गया है, तो पूरा खेल ही खराब हो जाता, मामला उलट जाता और कांग्रेस के पक्ष में वो पूरे कहने को हो जाता राष्ट्रीय स्तर पर कि देखिए किस तरह से हार्ड स्टडिंग की गई है। लेकिन सबको एक भी इस तरह से असंतोष के स्तर विधायकों के द्वारा नहीं आए बाहर, ये अपने आप में दिन तक रखना, ये उमा शंकर जी गुप्ता जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस दौरान रही है, पूरे समय वो साथ में रहे हैं, ये सरकार ही नहीं बनती अगर ये भूमिका नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस तो बोलता ही है और एक्सपीरियंस वहाँ जो बोल रहा था उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले वहाँ थे कुछ लोग, निशाहू लाल जी वगैरह, तो उनको संभाल के रखना, उनको समझ बिठाना, किसी तरह असंतोष बाहर में आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी और ये चुनौती उमा शंकर गुप्ता जी और साथ में अरविंद भदौरिया दो लोगों ने चुनौती इसको स्वीकार किया था। उमा शंकर जी पूरे समय साथ में रहे थे, अरविंद भदौरिया जी क्योंकि एमएलए थे तो आते जाते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोबारा तीसरी बार शिवराज जी अगर त्रिपाठी जी रूप में चाहूंगी। ताजा अपडेट ले लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैंस जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। निर्मल जी बताइए क्या कुछ और जानकारी आप दे पा रहे हैं? देखिए जिस तरीके से आज शिवराज की जो है मिनी कैबिनेट का गठन हो गया है और अभी फिलहाल जो है मंत्री राजभवन में ही है, उसके बाद सारे के सारे नव जो है पदस्थ मंत्री मंत्रालय जाएंगे और वहां शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री कोरोना की समीक्षा बैठक लेंगे जो कि अधिकतर अमूमन वो 4 बजे ही लेते हैं। तो आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य में 28 दिन बाद अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन मैन शो की भूमिका में नजर आ रहे थे, आज उनके साथ 5 मंत्री और बैठेंगे और कोरोना की लड़ाई, जैसा कि सरकार और उसके मंत्री बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, तो उस पर गहन मंथन किया जाएगा, उसी में नव नियुक्त मंत्रियों को जवाबदारी सौंपी जाएगी और पूरे प्रदेश का हाल जानने की कोशिश उनके जरिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आज यूं कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ गई है। जी बिल्कुल। तो निर्मल जी, इस मिनी कैबिनेट का बिग एजेंडा आज की कैबिनेट में जो बैठक होने जा रही है वो कोरोना ही रहने वाला है? जी बिल्कुल, कोरोना ही जो है इस समय एक तरह से यूं कहना चाहिए कि आशंका का जो है एक बादल सा पूरे प्रदेश पर छाया हुआ है, जिस तरीके से खासकर इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस सबसे निपटना, देखिए रश्क इस समय अगर मंत्रिमंडल में देरी की जाती गठन में इससे भी ज्यादा तो ये तोहमत लगने लगती सरकार पर कि सरकार ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। शिवराज सिंह चौहान खुद वनमैन की भूमिका में नजर आते रहे और उन्होंने पूरा श्रेय खुद ही लूटने की कोशिश की, तो ये एक तरह से परीक्षा की भी घड़ी शिवराज सिंह सरकार के लिए है। जब कोरोना काबू में आ जाएगा रश्क, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि 24 जो है विधानसभा उपचुनाव होना है प्रदेश में और जिनमें से जो है 22 बागी जो है विधायक उनके क्षेत्र रहेंगे और उनमें से भी जो है करीब 16 जो है ग्वालियर चंबल इलाके में रहेंगे, तो ये सारी चीजों का जवाब जब मैदान में उतर के देना पड़ेंगे और कांग्रेस जब इन चीजों को मुद्दा बनाएगी तो उन सब की तैयारी, देखिए सरकार को, शिवराज सरकार को 2 मोर्चों पर तैयारी करना है, पहली तैयारी तो कोरोना से निपटने की और दूसरी तैयारी जब इसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद जब वो उपचुनाव में उतरेगी
तब वो किस तरीके से जो है कांग्रेस के आरोपों को फेस कर पाएगी, कितना जनता को कन्विंस कर पाएगी, क्योंकि ये जो 22 हैं ये जो है पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो कितना बीजेपी के कार्यकर्ता उनका साथ देते हैं, किस तरीके से ये जनता के बीच अपनी बात रख पाएंगे, ये सारी चीजें जो है लंबी दूरदृष्टिता के साथ जो है बीजेपी को काम करना होगा, और शायद वो उसी दिशा में उसी को सोचकर हर जो रणनीति तय कर रही है। जी कृपाल जी, कुछ निर्मल जो उपचुनाव होने हैं उसमें तो खैर एक भिंड में उपचुनाव जो जिनकी मृत्यु हो गई है और दूसरे ऊंटवाल जी है आगर मालवा से है, यहाँ अलग स्थिति, आज कोरोना की स्थिति कुछ है क्या, आप आज कोरोना के बारे में कोई नए पेशेंट, एक बहुत ही दुखद खबर है कि उज्जैन में एक और थाना प्रभारी के उज्जैन में जो संक्रमित पाए गए थे दौड़ जाके उनकी डेथ हो जाती है, ये और बहुत अब ये गंभीर स्थिति लेता जा रहा। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सारी चीजें आप ही ने जानकारी दी कि संभागवार अब इन मंत्रियों मंत्री देखेंगे, तो क्या तेजी आ सकती है, देखना तो सरकारी अधिकारियों को ही है जो है। देखिए, जैसे कि कल भी हम इंतजार में थे कि जो एक लार्ज स्केल पर जो जांच हुई है उनके रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, तो हो सकता है आज वो जांचें आ जाए, उसके बाद जो स्थिति होगी वो बताएगी कि कोरोना किस स्थिति में प्रदेश में फैल चुका है, कितना उसने संक्रमित कर दिया प्रदेशवासियों को, और चूंकि भोपाल, राजधानी भोपाल की बात करें, उज्जैन की बात करें, या इसके अलावा इंदौर की बात करें, तो ये रोड रेड जोन में फिलहाल बने हुए हैं। और दूसरी मौत जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे पुलिस अधिकारी की, जिनकी की मौत इंदौर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है, तो ये जो बड़ी गंभीर स्थितियां हो रही हैं, दो दो पुलिस अधिकारी जो है काल के गाल में संभाल रहे हैं, और पुलिस के जो इस समय मैदानी स्तर पर देखिए स्वास्थ्य महकमा और पुलिस का जो है दो ही विभाग ऐसे हैं जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, और इस तरीके के अगर जो है घटनाएं होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइजेशन पैदा होता है, तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए और सब चाहे फोर्स हो या जो है स्वास्थ्य के महकमा हो, इनको मोटिवेट करने के लिए अब ये जो मंत्री हैं ये भी अपनी भूमिका निभाएंगे, और बहुत कुछ संभव है, जिस तरीके से तुलसी सिलावट के पास स्वास्थ्य महकमा रहा ही है और इंदौर में भी सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है, तो उनकी सक्रियता जो है आज के बाद इंदौर में जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, और शायद उसका असर भी नजर आया। कल ही जो है केंद्र ने इंदौर की स्थिति खासकर देखते हुए केंद्र ने जो है केंद्र की टीम भेजी है, वो भी यहाँ का आकलन कर रही है, स्थिति का आकलन कर रही है और रोकथाम के उपाय बता रही है, साथ ही ये भी अध्ययन कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना किस तरीके से इंदौर में फैल गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी जो है धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसारता ही जा रहा है, नए भोपाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां कंटेनमेंट घोषित कर दिए गए हैं, ये सिर्फ पुराने भोपाल तक ही सीमित नहीं रह गया, या जो है ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पुराने भोपाल में ही कोरोना है, नए भोपाल के भी कई इलाके इसमें शामिल हैं, तो स्थिति धीरे धीरे होती जा रही है। निर्मल जी, रोकना चाहूंगी आपको, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार जोशी जी। जोशी जी, आज मिनी कैबिनेट को हमने देखा है शपथ लेते हुए, किस तरह से आप देख रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना की जो संकट देश में जिस तरह से कोरोना संकट है उसमें इस मंत्रिमंडल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया था जी, उस कारण से निश्चित रूप से थोड़ा सा समय तो लगा मंत्रिमंडल गठन का, लेकिन मध्य प्रदेश की दरकार भी थी कि कम से कम दो चार पांच मंत्री हों ताकि संभाग वाइज कम से कम जिम्मेदारी हो जाए, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री जी सब काम को देख रहे थे। ऐसे दृष्टिकोण में विस्तार की दृष्टि से पांच वरिष्ठ लोगों को, जिनका की लंबा अनुभव है मंत्रिमंडल का भी और राजनीति का भी, दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार के विधायक हैं, ऐसे लोगों को आज मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से अभी जो कोरोना से संकट से मध्य प्रदेश जूझ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने में, उन तक मैसेज पहुंचाने में एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में ये लोग काम करेंगे जी। इस बतौर नई टीम से आपको कितनी उम्मीद है? नहीं देखिए, सभी अनुभवी लोग हैं, काफी उनका क्षेत्र अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भी है। ऐसे दृष्टिकोण में मैं मान सकता हूँ कि इस आधार पर संभाग वाइज काम शायद इनको दिया जाएगा,
तो ये अपने अपने समागम में जिम्मेदारी को बखूबी अच्छे से अंजाम कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे। जोशी जी, जोशी जी, थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, हालांकि मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, बिंद की जिम्मेवारी मीना सिंह जी के हाथ देना, अनुभवी है, वरिष्ठ है, मान सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं वरिष्ठ राजेंद्र शुक्ला जैसे कई लोग हैं जिनको देते तो हो सकता है वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था कर सकते थे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव 1985 से अभी तक लगातार अजेय रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जब सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री रहते हैं सामान्य तौर पर, तो ऐसी स्थिति में हालांकि हो जाता है कभी कभी, आपके पिताजी के साथ भी ये हुआ था, माननीय कैलाश जोशी जी नेता प्रतिपक्ष है, 90 में सरकार बनी थी तो उनको मुख्यमंत्री ने बना के सुंदरलाल पटवाजी को बना दिया गया था, तो कभी हो जाता है, लेकिन मंत्री तो कम से कम गोपाल भार्गव को पहले लिस्ट में बनाना चाहिए था। एसपी साहब, आप भी क्रिकेट के अच्छे प्लेयर रहे, मैंने आपको देखा भी क्रिकेट खेलते हुए हमीडिया के मैदान पे। मैं तो ये कह सकता हूं, जब बॉलर की जरूरत होती है बॉलर को लिया जाता है, जब बैट्समैन की जरूरत होती है बैट्समैन को लिया जाता है। एक छोटी टीम बन रही थी ये समझ लीजिए कि 2020 मैच के लिए टीम बन रही थी, उस हिसाब से समीकरण तो सब देखना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक जनजाति बंधु, तो एक जनजाति का चेहरा लेना आवश्यक था, एक हमारे अनुसूचित जाति का चेहरा लेना आवश्यक था, तो ये सब दृष्टिकोण से, चूंकि एक छोटी टीम का गठन का कहीं ना कहीं पालन करना था उन्हें, इस दृष्टिकोण से जो अच्छे उस टीम में एडजस्ट हो सकते थे उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया। दूसरा, विंध्य का, मालवा का, ग्वालियर का, ये चीज भी देखी गई है, तो ऐसे दृष्टिकोण में इन 5 लोगों को अभी समायोजित किया। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान भी दिया है कि बहुत जल्दी ही जैसे कोरोना संकट निकलेगा एक बड़ी टीम का गठन होगा। आप गोपाल भार्गव जी को बैट्समैन मानते हैं बॉलर? नहीं, गोपाल भार्गव जी तो ऑलराउंडर है, तो ऐसे समय में ऑलराउंडर की ज्यादा जरूरत थी। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, विशेषज्ञ पिच को देखने के बाद किया जाता है ना कि पिच स्पीड ले रही है कि पिच फास्ट बॉलर को सहयोग करेगी, उस आधार पर टीम का चयन हुआ है। मतलब गोपाल भार्गव जी स्पिन ज्यादा अच्छी खेलते हैं पेस बॉल्स के अपेक्षा? नहीं नहीं, मैंने कहा ना वो ऑलराउंडर है, इसमें सब समीकरण को देखा गया है, छोटी टीम बनानी थी, छोटी टीम में जो विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था, जनजाति को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था, इस नाते से इन लोगों को लिया गया है। जैसा ऊपर से निर्देश होगा या कोरोना के इस चीज का पालन करना, खास करके जो हम सब कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसे दृष्टिकोण में संभागों की दृष्टि से जो लोग उचित लगे उनको स्थान दे दिया और वो आगे काम कर लेंगे। बिल्कुल जोशी जी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि छोटा मंत्रिमंडल है और उन लोगों को लेना ज्यादा जरूरी था जो कोऑर्डिनेशन बैठा सके, इसी वजह से गोविंद सिंह राजपूत को ले लिया गया है और भूपेंद्र सिंह को नहीं लिया गया? नहीं देखिए, सत्ता आपके समीकरण के साथ साथ कभी कभी कुछ बातें बाहर भी तय होती है, ये पूरा आपको सबको पता है कि इस बात में कहीं ना कहीं बाहर बातें तय हुई थी, उस तय बात के आधार पर क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को स्थान देना जरूर आवश्यक भी था, तो उस दृष्टिकोण से उनका स्थान दिया गया। भूपेंद्र सिंह जी हमारे माननीय नेता है, प्रदेश के महामंत्री जैसे पद पे रहे, हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, आज संगठन उनकी आवश्यकता है, वो काम भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, तो ऐसे दृष्टिकोण में जिन लोगों को समायोजित करना था छोटी टीम में, उस टीम को समायोजित कर लिया। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम भविष्य में जैसे कोरोना संकट होगा उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, उसमें सबको उचित प्रतिनिधित्व मिल भी जाएगा। बहुत शुक्रिया जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। निर्मल जी, जैसा आपने सुना कि भाई जिन जिन की जरूरत थी, क्योंकि कैबिनेट बड़ा छोटा है और जिनकी जरूरत थी पहले प्राथमिकता उनको दी गई है। देखिए रश्क, ये तो बिल्कुल तय है कि ये जनादेश की सरकार नहीं है, जुगाड़ की सरकार है, और जुगाड़ की कोई भी चीज हो रश्क तो उसमें कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं, ये वही मजबूरियां हैं। चूंकि जी 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 बात पूरी कीजिए। हाँ बोलो जी जी। नहीं, आपको नहीं बोलना है। हाँ जी बोलिए जी त्रिपाठी जी, आप आपको ही बोलना है। आपने जैसे कहा कि जुगाड़ की सरकार है, जुगाड़ में फेविकॉल का जोड़ लगाया गया है, आपका कहने का मतलब यह है सिंधिया जी के साथ? जी देखिए, बिल्कुल, अब जो है शिवराज और महाराज की सरकार, ये कांग्रेस ने जो है अभी से इस वाक्य को पकड़ लिया है, शिवराज और महाराज की सरकार। तो देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जुगाड़ की कोई भी चीज हो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रहती हैं, बड़ी दुविधापूर्ण और विरोधाभासी बातें हैं। जैसे कि अभी आप दोनों जिक्र कर रहे थे कि इतने दिग्गज, इतने अनुभवी मंत्री, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हों,
चाहे भूपेंद्र सिंह हो, भूपेंद्र सिंह तो बल्कि खुद इस्तीफे लेके आए थे 22 विधायकों के, तो जो जिन्होंने इतना ज्यादा पार्ट निभाया है उनको दरकिनार करते हुए, अनुभवी लोगों को दरकिनार करते हुए, बीजेपी के अनुभवी लोगों को दरकिनार करते हुए, बीजेपी की अगर बात करें तो चाहे जो है कमल पटेल की बात करें या मीना सिंह की बात करें, तो इनसे कई गुना अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। जैसे अभी त्रिपाठी जी खासकर गोपाल भार्गव का जिक्र कर रहे थे, तो ये अनुभव ही तो कोरोना से लड़ाई का सबसे पहला हथियार हो सकता है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी दीपक जोशी से बात हो रही थी जो कि पूर्व मंत्री भी थे बीजेपी के, तो ये समीकरण यानी कि जो मजबूरियां, समीकरण का दूसरा नाम जो है रश्क इस समय मजबूरी बना हुआ है, किस तरीके से मैनेज किया जाए। कमल पटेल की बात करें तो बेहद ही चौंकाने वाला नाम है, खुद ही जो है रेत खनन को लेकर शिवराज सरकार के दौरान ही वो कई प्रकार के आरोप जो है खुलकर लगाते रहे हैं। और तो इस तरीके से ये चीजें जो है ये फिलहाल जो है एकदम से समझ में आने वाली नजर नहीं आ रही है। इसका एक वजह जरूर तो हो सकती है कि सबसे सिंधिया समर्थक जो है जी, आप जिस तरह से कह रहे थे कि वो आरोप लगाते आए हैं कमल पटेल, तो इस बार आरोप ना लगाए तो पहले से ही शांत करा लिया जाए। देखिए आरोप चूंकि अब तो शिवराज सरकार ने एक तरह से रश्क काम करना शुरू ही नहीं किया है, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली नहीं कि कोरोना की महामारी उनके सिर पे माथे आगे कहना चाहिए, तो ये तो खैर बाद की बात है कि बाद में क्या होता जब सरकार चलती कुछ महीने जो है खासकर जो है उपचुनाव के बाद चलती, उसके बाद रेत खनन के क्या हाल होता वो खैर बात की बात थी। लेकिन ये मुझे लगता है कि सिंधिया का जो गुट है उसको कुछ संदेश पहुंचाने की यहाँ पर जो है इशारे कुछ किए गए हैं बीजेपी के जरिए इस तरीके का मंत्रिमंडल गठन करके, क्योंकि वरिष्ठ बीजेपी ये आज बता रही है कि वो जो है अपने अनुभवी नेताओं को भी दरकिनार कर सकती है, उसके फार्मूले दूसरे हो सकते हैं, और इन्हीं फार्मूलों पर जो है कांग्रेस के जो ज्योतिराज सिंधिया गुट के जो विधायक और हैं पूर्व विधायक उनको भी हम फिट कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी लंबी सुनियोजित रणनीति के तहत जो है बीजेपी ने ये काम किया है, जिसमें उपचुनाव तो खैर मुख्य उसको देखकर ही ये सब किया गया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। त्रिपाठी जी चलते चलते आपकी प्रतिक्रिया, कंक्लूडिंग रिमार्क। जो मुझे लगता है कि उपचुनाव एक महीने बीत गए, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए, करवाना पड़े, निर्वाचन आयोग की ये कंपल्सरी नियम है। अब ऐसी स्थिति में ये निश्चित तौर पे जो सिंधिया जी के 6 मंत्री थे उन 6 के अलावा कुछ और मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए अगर चुनाव मैदान में आप फिर से जाते हैं, जनता आपसे पूछेगी अभी जिता के भेजे थे मुश्किल से 1 साल 1.5 साल हुए हैं, फिर से आप आ गए, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जनता उल्टा जनादेश भी दे देती है। उस जनादेश को कंट्रोल करने के लिए कि किस तरह से जनादेश मिले, इसके लिए अगर मंत्री रहते हुए आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो वहां की जनता सोचती है, चलिए जैसे हरदीप सिंह लंग के बारे में अभी आपने भट्ट जी से बात की, उन्होंने कहा कि वहां के लोग चाहते हैं कि हरदीप सिंह लंग मंत्री बने, मंत्री बनने यानी क्षेत्र के विकास में ज्यादातर कम से कम जो विभाग उनके पास रहेगा उस विभाग का ज्यादा से ज्यादा बजट अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री रहते हुए चुनाव जीतना ज्यादा इजी होता है, न कि आप विधायक भी नहीं मंत्री भी नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा ये हमें लगता है 10 मंत्री बना सकते हैं, जिससे कम से कम 10 उपचुनाव ये कंफर्म जीत जाए। 107 इनके पहले से है तो 117 यानी 116 जगह एक कंफर्म मेजोरिटी इनको मिल जाएगी। अगर कांग्रेस जीत जाती है, 16 अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर मामला उल्टा, लेकिन वहां उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे 24 उपचुनाव होने हैं, 24 में से अगर 10 भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो इनके 117 हो जाएंगे, मेजॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी 10, और जब जिसकी सत्ता रहती है वो ज्यादातर उपचुनाव उसके पक्ष में जाते हैं। अगर ये कांग्रेस की सत्ता होती है तो जो उपचुनाव होते ना तो वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाते। त्रिपाठी जी जिस तरह से इस उपचुनाव में होने में, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है, जब ये बाइपोल इलेक्शन होंगे जितना ज्यादा वक्त अगर मिलेगा तो कांग्रेस उतनी ढीली पड़ती जाएगी और बेनिफिट यहाँ पे बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस तो देखिए ऑलरेडी सरकार जिस तरह से कांग्रेस बना ली थी उसको सामंजस्य बिठा के जिस तरह अगर चलाती रहती तो 5 साल में अपना अच्छा खासा मजबूत, 15 साल में कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो उखड़ चुके हैं, अब ऐसे से 15 महीने में ही सरकार गिर गई तो वो भी मायूस है।
लेकिन एक ही उनको कहीं ना कहीं बहुत दूर से थोड़ी बहुत आशा दिख रही है कि हो सकता है जनता इनको इस माध्यम से ये जो भाजपा से प्रत्याशी बनेंगे हरा दे कि आपने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, दगाबाजी किया। लेकिन वहीं सिंधिया जैसे स्टार प्रचारक के चले जाने से कांग्रेस को और नुकसान हुआ। कुल मिला के कांग्रेस हाईकमान हो चाहे कमलनाथ जी, उन्होंने सामंजस्य नहीं बिठा पाए जिसके कारण ये सब सारी स्थिति बनी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज शिव की सेना का गठन हो गया है और जिसमें बेहद ही छोटा ये मंत्रिमंडल देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से ये पूरा मंत्रिमंडल आगे काम करता है और आने वाले वक्त में किसको कौन सा विभाग मिलता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। कम अबॉर्ड एंड नर्चर योर टैलेंट टू सक्सीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। जॉइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800300026072। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धा अपनी जान हथेली पर लगकर आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमने कुछ शहरों को सील किया है, उनको हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको भी सील करने का हमने काम किया है। आपसे अपील है कि आप घर से न निकले, प्रशासन को सहयोग करें। मैं जानता हूं कई जरूरी चीजों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है, प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है अत्यावश्यक चीजों को आप तक पहुंचाने की, लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा ही, उस कष्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज अगर कष्ट सहेंगे तो कल हम इस बीमारी को परास्त करके बाहर निकलेंगे और तब मैं आपको मना लूंगा। लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है हम में से कई माफी मांगने के लिए और माफ करने के लिए रहे ही ना। एक अभूतपूर्व स्थिति है, उसलिए मेरा आपसे निवेदन है अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो संकोच ना करें, तत्काल बताएं। आप 104 और 181 नंबर पर तत्काल सूचना दें। कोरोना महामारी ऐसी नहीं है कि लक्षण अगर हैं तो मौत हो जाएगी। मौत केवल उन्हीं प्रक्रमों में होती है जो बताने में देर करते हैं। अपने प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं, कईयों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद आते हैं तो फिर ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। इसे छुपाए नहीं, तुरंत बताएं। छुपाना महापाप है क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए ये पाप आप कतई न करें। प्रदेश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, अब 1000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, हम लगातार लैब की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मास्क से लेके पीपीई किट तक की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। चिन्हित अस्पताल अलग अलग स्थानों पर हमने कर लिए, व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है, बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज एक्सप्रेस की अपील, कोरोना से डरना नहीं हराना है, कोरोना से बचाव के तरीके, सावधानी में ही सुरक्षा है। बार बार हाथ धोने की आदत डालें, साबुन सैनिटाइजर और हैंड रब का इस्तेमाल करें, खांसी या छींकने पर टिश्यू का इस्तेमाल करें या कोहनी से ढकें।
बातचीत के दौरान एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जिम, क्लब और भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। जितना हो सके यात्रा से बचें। स्वराज एक्सप्रेस की अपील, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। आज सारा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इससे बचाव के लिए ट्रिपल लेयर मास्क एक प्रभावी उपाय है। आप तीन लेयर वाले मास्क को घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साफ रुमाल, गमछे या दुपट्टे को तीन लेयर में